तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। और गाइस आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे दोस्तों जब भी आप यहाँ पे प्ले स्टोर में जाते हैं और यहाँ पे आप सभी लोग PUBG न्यू स्टेट गेम डाउनलोड करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आता है जब भी आप इंस्टॉल करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखा हुआ शो करता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस तरीके से लिखा रहता है Your device it's compatible with this version। तो ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आ रही है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में गाइज आप सभी को मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि क्यों ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आ रहा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में क्यों आ रहा है। तो गाइज बेसिकली होता क्या है, आपके फ़ोन में जो प्रोसेसर होता है और रैम होता है वो कम होता है या तो फिर इस गेम को जो है सपोर्ट नहीं कर पाता है, तभी ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आता है। तो यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं 1.5 GB का ये गेम है ओनली फॉर डाउनलोड करना है। और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद उसको आपको और अपडेट वगैरह करना होता है, मैप वगैरह का अपडेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे करीबन कम से कम ये जो है आपका स्टोरेज 2 GB तक ले लेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपके फ़ोन में अगर रैम जो है वो कम है, 1 GB का रैम है, 2 GB का रैम है, तो हो सकता है इसमें ये जो गेम है वो चलने में कुछ प्रॉब्लम आए। तो आप जो है अपना रैम चेक कीजिए और स्टोरेज भी यहाँ पे खाली रखिए ताकि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले आपको अपना रैम चेक करना है। ये गेम दोस्तों एकदम फ्लुएंटली 3 GB और 4 GB रैम वाले फ़ोन में एकदम अच्छे से चलता है और ये प्रॉब्लम नहीं आता है। ये प्रॉब्लम बेसिकली 1 GB रैम वाले फ़ोन में या तो फिर 2 GB रैम वाले फ़ोन में आता है। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में क्यों आ रहा है। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।